मेरे महबूब ने क्या फरमाया, ऐ मेरे प्यारे असाबा, दूसरा मुझसे वादा करो, अगर कोई अमानत देता है उस अमानत में खयानत नहीं करोगे। एक तो यही खयानत है, आपने को माल दे दिया, कोई चीज दे दी, कुछ चार चार पाए दे दी, कुल्हाड़ी दे दी, कस्सी दे दी, ये रख लो फिर मैं ले लूंगा। इससे बड़ी अमानत में आज आपको बताता हूं। ये तो अल्लाह के बंदों की इमानतें हैं, अल्लाह ने भी आपको इमानतें दी हैं। आंख अल्लाह की अमानत, अगर इसे अम्मी को देखा तो नेकी, अबू को देखा तो नेकी, खाना काबा को देखा तो नेकी, कुरान पाक को देख के पढ़ा तो नेकी, इन आंखों से किसी गैर महरम औरत को देखा तो आंखों का जिना। अल्लाह ने आंखें पाक दी थी, अगर किसी की माँ बहन बेटी को देखोगे ये नापाक हो गई। अगर किसी हसीन लड़के को गंदी नजर से देखोगे ये आंखों का जिना, ये नापाक हो गई। ये आंखें अमानत थी, अगर नापाक कर दी तो खयानत कर दी। तेरे हाथ अल्लाह की इमानत है, तेरे पैर अल्लाह की इमानत है, तेरी जुबान अल्लाह की इमानत है, तेरे कान अल्लाह की इमानत है। जब अल्लाह ने दिए थे ये सारे पाक थे, इनसे गुनाह नहीं हुआ था, अगर गुनाह किया इनके अंदर खयानत हो गई, इनको आपने ना पाक कर लिया, ये खयानत है। अल्लाह को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। नबी पाक फरमाते दूसरा अमानत में खयानत नहीं करना। समझ गए मेरे बेटे, समझ गए? इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई कुछ रकम नोट दे, नोट ये अमानत रख लो। उसने नोट दिए थे नए नोट थे मैं, और जब वो मांगने आया तो आपने नोट नए रख लिए, पुराने दे दिए, ये भी खयानत है। हालांकि वो उस कीमत के बराबर है। ऐसा नहीं करना कि उसके नए नोट रख के पुराने दे दो, ये भी खयानत है।